नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम टमाटर प्योरी बनाएंगे। तो ये बाज़ार से अच्छी होती है, अगर हम घर में बनाते हैं तो बहुत ही इजी रेसिपी है। और कभी भी जब टमाटर बाज़ार में सस्ते हों तो आप बनाकर रखिए और उससे अच्छी अच्छी सब्जियाँ बनाइए, तो आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बनाते हैं, बड़ी ईजी रेसिपी है। तो हम ये लगभग 1 किलो टमाटर से प्यूरी बनाएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर लें, खट्टे टमाटर या कच्चे टमाटर बिल्कुल ना लें। और इस तरह से ऊपर की स्किन को हम हटा देंगे और इसे रफली हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सारे टमाटर काट लिए हैं इस तरह से। तो अब देखिए, कोई भी आप पैन ले लीजिए, मैंने यहाँ कढ़ाई लिया, उसमें हम डायरेक्ट ये टमाटर डाल देंगे, कोई पानी नहीं डालना है यहाँ पर। और आप गैस को लगभग फुल कर सकते हैं या मीडियम से फुल की तरफ रखिए, और इसे हम ढक देंगे और 5 मिनट कुक होने देंगे। आप देखेंगे 5 मिनट में ये अपना पानी छोड़ देंगे और थोड़े सॉफ्ट होने लग जाएंगे। तो बिल्कुल पानी डालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है हमें। और इसे हम फिर से ढककर 5 मिनट कुक करेंगे। तो 10 मिनट लगभग हमें इसे टोटल कुक करना है। तो कोई बॉईल नहीं करना है, ब्लांचिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट इसे कुक करना है। देखिए, 10 मिनट में ये बिल्कुल पके हुए टमाटर थे, इसलिए इतनी जल्दी कुक हो गए हैं। तो आप इस तरह से मैश कर लीजिए इन्हें, और अब गैस बंद करके इन्हें हम ठंडे कर लेंगे। तो नॉर्मल टेम्परेचर होने पर इसे हम टमाटर को मिक्सी में प्यूरी करेंगे। और फिर देखिए, इस तरह के एक चलने से हम छान लेंगे तो आराम से छन जाता है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं है और बीज और छिलका हट जाता है। तो अगर आपको 3-4 दिन यूज़ लेना है तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी यूज़ ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा टाइम तक स्टोर करना है तो इसे हम फिर से कुक करेंगे। तो आप उसी कढ़ाई में ये सारी प्यूरी डाल दीजिए और दोबारा कुक करने पर ही थोड़ा बाजार जैसा टेस्ट आएगा। और इसे हम ढककर कुक करेंगे क्योंकि ये बहुत उछलता है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें ढकने का। और आधा कुक होने पर इसे हम नमक डालेंगे इसमें और थोड़ी सी हम चीनी डालेंगे, इससे ये ख़राब नहीं होगा और थोड़ा इसमें टेस्ट आएगा। और 10 मिनट में देखिए, ये जैसी हमें चाहिए वैसी परफेक्ट गाढ़ी हो गई है। तो अब गैस बंद कर देंगे हम और इसे हम ठंडी कर लेंगे। तो लगभग ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। तो देखिए, ये बनकर तैयार है प्यूरी। इससे आप पनीर की सब्जी बनाइए, दाल मखनी बनाइए, कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है और घर की है तो बिल्कुल हेल्दी तो है ही। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।